राम दी भगती अते शिव दी भगती वैष्णव मत अते शैव मत ए शैव मत वैष्णव मत दा टकरार है शुरू ते आपस विच ही। हां जी, जड़ा विष्णु है ये तो अहंकारी है तो शरीक खुदा है। राजा जो कहंदा बनदा है वो तो अहंकारी हुंदा ही है, वो तो अहंकारी है। वो तो ऐश इज्जत करने वाले ने सब, उन्हें ड्रेस देखो, कपड़े देखो, ताज देखो, ये देखो, इन्हों क्यों चंगा लगता है? सवाल तो यह है ये पंडित ने पंडित ने खरीद लिया, अपने नाल ला लिया, पंडित ने अपना गुरु मान लिया, इन्हें राजा ने विष्णु का अवतार मान लिया। ठीक है, धर्म तो गिर के तो पंडित होया सी, वेद छड़ के धर्म तो गिर के उन्हें राज लिया सी। वेद तो राज की इजाजत दिंदा नहीं, जदों वेद छड़िया, वेद को त्याग दिया तो विष्णु राजा एक्सेप्ट हुआ, तो विष्णु का अवतार हुआ ये राजा। अब गुरबाणी इन्हें झूठा मानती है, राजा को नहीं मानती, राजा को राजा ही नहीं मानती। वो कहते हैं कि कोई हर समान नहीं राजा, हर जैसा राज कर रहा है, ऐसा कोई राजा नहीं है संसार में। वो तो पता ही नहीं कहाँ है हर राज कर रहा है, हुकुम उसका चल रहा है। कोई हर समान नहीं राजा, ये भूपति हैं, राजे नहीं हैं। थोड़ी बहुत भूमि पे इनका कब्जा है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। राजा वो है जिसका सूरज, धरती, हवा, पानी सब हुक्म मानते हैं, वो राजा है। हुक्म जैसे होगा वैसे हवा चलेगी, जहाँ हुक्म होगा वहाँ बारिश होगी। सूरज भी हुक्म की शक्ति से घूम रहा है, जब चाहे जब खड़ा कर दे, नष्ट कर दे। वो राजा सब 84 लाख जोन हर जीव उसके हुक्म का पाबंद है, तो उसका राज हुआ। और राजे को तो आधी दुनिया वैसे नहीं मानती। राजा था राम, उसके घरवाली सीता नहीं मानती थी उसकी बात, तो वो राजा कैसा के कहीं उसके साथ सहमत नहीं है। राजा कैसा? ये राजा नहीं होते। कुछ भूमि के पति हो जाते हैं अपनी धींगी से, दबंग आदमी होते हैं राजे। इन्हें दबंग लफ्ज है, दबंग है, दबंग को पंडित ने अवतार घोषित कर दिया, क्योंकि पंडित को उसने अपना गुरु मान लिया, और वो तो भगवान है, वो भगवान का गुरु है। अब जैसे भगवान को गुरु की जरूरत हो, वो भगवान मूर्ख होगा? कोई मूर्ख को गुरु की जरूरत होती है? अज्ञानी को, चलो मूर्ख ना कहूँ मैं, अज्ञानी कह देता हूँ, अज्ञानी मूर्ख है की बात है। गुरु की जरूरत उसको है जिसमें ज्ञान की कमी है, अकल की कमी है, बुद्धि की कमी है। जिसमें बुद्धि की कमी है, भगवान कैसे कह दिया तुमने उसको? क्योंकि उसने तुम्हें गुरु मान लिया, जैसे गुरु माना उसे ज्ञान है नहीं, जैसे वो गुरु कहता है उसे ज्ञान है नहीं, जैसे वो जैसे गुरु डिक्लेयर कर किया है उस पर ज्ञान है नहीं, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान है नहीं। या बताओ उसने क्या लिखा ब्रह्म ज्ञान के बारे में? कौन सा ग्रंथ लिखा? हम पढ़ ले, हम भी देखे, किस आधार पे उसे गुरु माना? रामचंद्र ने वो भी दिखा दो, जो कुछ वहाँ लिखा क्या ब्रह्म ज्ञान पे वो खराया नहीं है? इतना तो हमें पता है, इतना कबीर को भी पता था, उसने हमें बता दिया, हमें पता लग गया, वरना हमें कैसे पता लगता? तो गुरु जो है जिसका अज्ञानी हो, वो भाग्यशाली हो ही नहीं सकता। जिसे अज्ञानी गुरु मिला हो उसे भाग्यशाली या भगवान कैसे मान लें? तो गुरु अज्ञानी है उसका, तो ये ऐसा फ्रॉड। बाकी रहेगा शिव। शिव में तो ऐसा कोई प्रपंच है ही नहीं, शिव ने कोई गुरु बनाया ही नहीं, शिव का कोई माँ बाप है ही नहीं। बताओ शिव कहाँ से पैदा हुआ, बाप कौन है? शिव कोई आदमी का नाम नहीं है, इन्होंने बना दिया। शिव तो ब्रह्म का नाम है, जो ब्रह्म है वही तो शिव है। पूर्ण ब्रह्म शिव है, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास गुरबाणी में। शिव शक्ति आप उपाय के, शिव ने अपनी शक्ति को आपसे अलग किया। जब शिव समाधि से अलग हुआ, शिव की समाधि जब खुली तो उसकी जो बुद्धि थी, सोच थी, वो त्रिकुटी में जाके अलग होगी, बाहरमुखी होगी, बाहर होगी, प्रकट होगी सोच उसकी। ये उसकी शक्ति है। शिव शक्ति आप उपाय के, करता आप पे हुक्म बरताए, वो है शिव, उसका नाम है शिव। तो कुदरत उसकी शक्ति है, शिव वो आप है। शिव कोई आदमी नहीं है। इन्होंने अगर बना दिया शिव, इसीलिए शिव जी के वो जड़ से गंगा निकाली है। गंगा कहाँ से आई है? आकाश, परमेश्वर के घर से। पूर्ण ब्रह्म के हृदय से गंगा निकली है। हृदय के बजाय इन्होंने खोपड़ी से बता दी, क्योंकि ये दिमाग को मानते हैं ना। आज का जो शिव भक्त है वो दिशाहीन है, उसने अंदर का शरीर, अंदर की समाधि छोड़ के बाहर की समाधि है उसकी। त्रिकुटी को दसम द्वार मान लिया उसने। यही चर्चा में गुरु नानक की बातचीत हुई हमसे। वो दिशाहीन है, बाहर का जो कुसा का शरीर है उससे जुड़ गया, उसको अपना उसके कल्याण की बात है, बाहर के शरीर के कल्याण की बात है, अंदर के शरीर के कल्याण की बात ही छोड़ दी। अंतर्मुखी कल्याण छोड़ के बाहरमुखी कल्याण की बात, वो भी हिंदू मत है। ये दोनों हिंदुओं की क्रिएशन है, वरना जो भेद है उसमें तो शिव को शरीर और विष्णु का शरीर भी नहीं माना। वहाँ जो ब्रह्म है वही विष्णु है, वही शिव है, उसके नाम है, ये एक ही है। वही ब्रह्म है, वही शिव है, वही विष्णु है। विष्णु की माया तो है बहन, विष्णु भी वही है, एक ही है, तीन नहीं है। संसारी कौन है? वो भी वही है। भंडारी कौन है? वो भी एक वही है। जिसे लय करने की आदत है, मारने वाला, वो भी वही है, एक ही है। तीन नहीं है, एक ही है। जिन्होंने तीन बनाए ना उनमें फूट पड़ गई, फिर उनकी एकता भंग हो गई। जब तीन बना लिए अलग अलग, एकता कहाँ रह गई? माया में भी तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तीनों के स्वभाव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मेल खाते हैं, तीनों स्वभाव। न्यूट्रॉन है वो ब्रह्म है, इलेक्ट्रॉन है शक्ति है शिव की, प्रोटॉन है जो वो विष्णु है, पालनहारा। तीनों घूमते हैं किसके? दोनों किसके हैं? न्यूट्रॉन के दो, न्यूट्रॉन बीच में है, न्यूट्रल जो है। तो ब्रह्म ज्ञान न्यूट्रल है, एक तरफ शिव है, इस तरफ शिव है, दाहिने बाई तरफ ये धर्म है इनका, हिंदुओं का। ये औरत का धर्म है, आदमी का धर्म ही है नहीं। माया का पूजा है इसमें, माया की पूजा है इसमें, आँख को जो दिखता है रूप की पूजा है। ये तो हिंदू, इसीलिए इनकी परिक्रमा भी उल्टी है, औरतों जैसी है। पाँव भी उल्टा पहले उठता है। तो औरतों का धर्म है, आदमी का धर्म ही नहीं। नहीं तो जैसा सेवे तैसा होए। अगर तुम आदमी की सेवा करोगे, आदमी को मानोगे अपना इष्ट, तो आदमी की जून मर जाएगी आगे तुम्हें, और क्या होगा। अगर औरत आदमी का पूजा करती है, अगला जन्म आदमी का मिलेगा और कुछ भी नहीं। विष्णु की पूजा औरत का विषय है, ताकि उसको अगला जन्म और आदमी का मिले, वो उसमें डेवलप होके बौद्धिक लेवल अपना मुक्ति प्राप्त करे। इंडिपेंडेंट जोन आदमी की है, औरत की जोन डिपेंडेंट है। अंग्रेज में मानते हैं वुमेन इज इनकम्प्लीट मैन, इनकम्प्लीट मैन है वुमेन, अगले जन्म में उसे कंप्लीट होना है। ये तो अंग्रेज भी मानते हैं। अगर इनको कंप्लीट मैन मानते हो तो आदमी और तो बराबर कैसे हैं फिर? एक चीज़ कंप्लीट है, एक इनकम्प्लीट है, दोनों बराबर कैसे हो गए? या ये काटा मारो के इनकम्प्लीट जो कहा था वो गलत कहा था, वो भी मानते हो, ये भी मानते हो, दोनों कैसे मानते हो? शिव मत जो है ये कहते हैं जहाँ तक देखो, जो आदमी पुण्य पाप को मानता है वो हिंदू है, वैष्णव मत है। वैष्णव मत का कोई ग्रंथ है ही नहीं, कोई ग्रंथ नहीं। मांस पे जो बात करते हैं, कोई दुनिया में ऐसा धर्म नहीं जो मांस ना खाने की जात, जो कहता मांस नहीं खाना चाहिए, कोई धर्म ही नहीं। ये बताएं कहाँ इनका धर्म है, कौन सा ग्रंथ क्या है, कहाँ लिखा है? जब 84 लाख जौन मानते हैं, गुरबानी कहते हैं जीवों का आहार, जीव जीवों को खाते हैं। अगर खाना पाप है तो डेवलप कैसे हो गए आदमी की जून तक? वो तो पाप करते थे, नीचे हो जाते। वेदों में भी है प्राणी प्राणी भक्षणम। ये इनकी अज्ञानता है, अज्ञानी है, वेद को छोड़ दिया। पुण्य पाप क्यों डरपोक हैं ये सोचते हैं जैसे हमें डर लगता है मरने से, हर एक जीव ऐसे डरता है मरने। इनकी चीज है, शेर आता आदमी को खा जाता है, तो बहुत पापी हुआ वो। आगे वो आदमी कैसे बन जाएगा? नीचे को क्यों नहीं गया? इन पे कुछ नहीं कहने को। शिव है वो मांस खाता है, शराब पीता है, कुछ भी नहीं, वो उन्हें भ्रम ही नहीं है। शिव नहीं खाता, बाहर का शरीर खाता है। शिव की खुराक तो ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन तो ज्ञान है, इनका भोजन ये घास फूस है। जब ये आत्मा का भोजन जानते ही नहीं, आत्मा का चैप्टर ही छोड़ दिया, तो ये तो बाहर के सीट पे खड़ी है सारी बात इनकी, खाने पीने की। धर्म धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो भी कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, संस्कृति है। जब वो माने के हिंदू कोई धर्म ही नहीं, फिर डंडोरा के चीज़ का पीटते हो। तो हिंदू तुम कैसे हो? संस्कृति तो एक है ही नहीं सारे भारत की। तुम कैसे कहते हो संस्कृति अलग अलग है? कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू हैं, संस्कृति तो एक है नहीं। सब ये बक मारते हैं, वैसे ही हवा में बातें करते हैं, जैसे पागल करते हैं, बिल्कुल बेहुदा बातें, खाम खाम की झगड़े खड़े करने, बेमतलब प्रॉब्लम पैदा करने, बेमतलब सरकारों को। ऐसे ही सिखों ने प्रॉब्लम पैदा करते रहे, सिखों के लिए ऐसे हिंदू करने लगे कि मोदी राज, चैन से मोदी को राज नहीं करने देना। इसका मतलब यह है कि चैन से मोदी को राज ना करने दो, अब प्रेशर रखो, हमारी मानता रहे, नजायज जायज ये बातें हैं। मोदी पे प्रेशर कैसे रखें हम अपना, ये काम तब करवाते हैं उनके ही आदमी।